दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2021 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को ये खबर से राहत मिल सकती है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। .NET बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, फिर क्रॉप करना है, सबमिट कर देना है, आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे किसी भी बोर्ड का होमवर्क हो, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, अदर बोर्ड, क्लास 6 से 12 से लेकर NEET IIT JEE Mains और एडवांस लेवल तक ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन .NET पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का। साथ ही .NET पे 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं .NET पे, तो आप भी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जिले में 20,296 परीक्षार्थी होंगे शामिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख लीजिए, यू तो इस परीक्षा की संभावित तिथि 1 से 13 फरवरी है, लेकिन इसमें फेरबदल होने की संभावना जताई गई है। खास बात यह है कि इस बार पिछले साल की तुलना में 5 नए केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, COVID-19 को देखते हुए। साथ ही साथ परीक्षार्थियों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वही 2000 के करीब परीक्षार्थी भी बढ़े हैं। इस बार बनाए गए नए केंद्रों में अररिया के गर्ल्स मिडिल स्कूल खरैया बस्ती, राजकीय गर्ल्स मिडिल स्कूल अररिया। इस तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि परीक्षा का डेट में फेरबदल हो सकता है, यानी जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2021 परीक्षा का टाइम टेबल रखा है, वो परीक्षा का टाइम टेबल में फेरबदल किया जा सकता है। ये छात्रों के हित में बहुत बड़ा फैसला है और इससे कई सारे छात्रों को राहत मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर बताया गया है परीक्षा की निर्धारित तिथि 1 से 13 फरवरी, लेकिन बढ़ने की संभावना मैट्रिक इंटर दोनों का। यहाँ पे आगे देखिए बताया गया है पिछले साल से इस बार 5 नए केंद्र बने, करीब 2000 परीक्षार्थी बढ़े हैं, ठीक है, ये जिला का बात किया जा रहा है। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैट्रिक इंटर का परीक्षा का टाइम टेबल में फेरबदल हो सकता है, ठीक है। कल एक विकास स्टूडेंट थे, वो भी बात कर रहे थे कि सर कम से कम जो बिहार बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल रखा है उसमें केवल दो मंथ बढ़ा दे तो हमारा तैयारी अच्छा से हो जाए, ठीक है। इस तरह से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कम से कम 2 मंथ बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो फरवरी में एग्जाम लेना है वो मार्च अप्रैल में कर दिया जाए। इससे छात्रों को काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, सब कुछ तैयारी हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि परीक्षा का टाइम टेबल में बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए तो कब तक यहाँ पे बिहार बोर्ड को परीक्षा लेनी चाहिए, नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट ज़्यादा मात्रा में करिएगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा होंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा 5 सेट वाले मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, मॉडल पेपर को खरीदना नहीं है। साथ ही साथ अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 18 केंद्र पर केवल लड़कियाँ होगी शामिल, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिए कई जगह के सेंटर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।